नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार पुनः सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना नगरनार को सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई धनपुजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ ओडिशा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी नाका में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बस को रोककर चेक किया गया, जिसमें संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम नरेश कुमार निषाद निवासी जिला दुर्ग का होना बताया, जिसके सामान की तलाशी लेने पर 25 किलोग्राम गांजा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य NDPS एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी नरेश कुमार निषाद के विरुद्ध थाना नगरनार में 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम गांजा, एक नग मोबाइल जब्त किया गया है। जब्त शुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी नरेश कुमार निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पश्चात जेल भेजा गया है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर धनपुजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है एक बस में जो है रेक कर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया और पूछताछ पर जो है उसने अपना नाम नरेश कुमार निषाद निवासी दुर्ग जिले का होना बताया गया, जिसके सामान की तलाशी लेने पर जिसके पास जो है कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी नरेश कुमार निषाद के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा, एक मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। और इस मामले में जो है आरोपी नरेश कुमार निषाद को थाना नगरनार के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और इस मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है। फिलहाल यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचना